प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कांग्रेस के प्रवक्ता साथियों के साथ पुलिस कमिश्नर भोपाल में पहुंचकर पुलिस आयुक्त को राजधानी भोपाल में स्कूली बच्चियों के साथ हो रहे छेड़छाड़ के मामलों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन देते हुए ये मांग की। श्री बुंदेला ने पुलिस आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में बताया कि 13 सितंबर 2024 को राजधानी भोपाल के भदभदा रोड स्थित रेडक्लिफ स्कूल में अध्ययनरत नर्सरी की छात्रा के साथ स्कूल के शिक्षक द्वारा यौन कृत्य कार्य करने की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट 14 सितंबर 2024 को उसके अभिभावकों द्वारा कमल नगर थाने में दर्ज कराई गई। श्री बुंदेला ने कहा कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को सुरक्षा देने के साथ साथ अपने कर्तव्य पालन में पूरी तरह से असफल है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा घटना की सूचना भी तत्परता के साथ पुलिस को नहीं देना, ये बताता है कि स्कूल प्रबंधन भी ऐसे मामलों में लापरवाह रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कि सबसे बड़ी बात, निरंतर बच्चों के साथ दुष्कर्म बढ़ रहे हैं और एक ट्रेंड बन गया है कि स्कूल के ऊपर बोलते हम कार्रवाई करेंगे, संबंधित एकाध कोई टीचर होता उसको टर्मिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन ना तो ढंग से कोई कार्रवाई होती है। ठीक है, एकाध स्कूल की आपने मान्यता रद्द कर दी 10 दिन के लिए, उसके बाद बहाल हो जाती। हमारी मांग है कि अधिनियम 2012 में धारा 19/21 में प्रावधान है कि जो स्कूल के ट्रस्टी हैं, जो स्कूल के मालिक हैं, वो से आरोपी बनाए जाएं। जिस तरह से रेडक्लिफ स्कूल में और सागर पब्लिक स्कूल में दुराचार हुए हैं, रेडक्लिफ में एक 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और सागर पब्लिक में एक बालक के साथ दुराचार हुआ, तो हमारी मांग है कि इन स्कूलों के जो मालिक हैं, जो मोटी मोटी फीसें लेते हैं उनके अभिभावकों से, बच्चों के माँ बाप से, उन पर कार्रवाई की जाए। वो कभी भी हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, कभी सामने क्यों नहीं आते, उनके नाम की चर्चा क्यों नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा विशेष लोग और बड़े लोग, ताकतवर लोग रहते हैं और बेचारे पेरेंट्सों की स्थिति इतनी खराब है कि वो उनसे मिल तक नहीं पाते। पेरेंट्स जो होते हैं हमेशा वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल तक ही सीमित रहते हैं, प्रिंसिपल भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो मेरी मांग ये है कि इस विषय में सरकार संज्ञान ले और सिर्फ ये 2 स्कूल नहीं, आने वाले समय में और भी जिस तरह के और हुए हैं आज तक के, उनके स्कूलों के मालिकों पर, प्रबंधन पर कार्रवाई की जाए, उनको आरोपी बनाया जाए। और इस विषय में मैं कोर्ट की भी शरण में जाऊंगा, मैं इसमें PIL भी दायर करूंगा, क्योंकि इस विषय को हम ऊपर तक ले जाएंगे, इस विषय हम चुप नहीं बैठेंगे, न्याय के लिए हम इसको लेकर कोर्ट तक जाएंगे।